चाह रहे थे ना? तुम घर जा रही हो? क्या है स्पेशल इस मूवी में आर्ट लवर्स के लिए? क्या है क्लाइमैक्स राधे श्याम का? क्या ओटीटी में रिलीज होगी यह फिल्म? तेलुगु इंडस्ट्री के डार्लिंग प्रभास ने अपनी मूवी डार्लिंग जो 2010 में हुई थी रिलीज, उसके बाद से कोई आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म नहीं की है। तो प्रभास की मूवी राधे श्याम क्या होने वाली है एक और डार्लिंग जैसी मूवी? इस फिल्म में दोस्तों आर्ट अप्रिशिएशन खूब देखा जाएगा। इस फिल्म को नरेशन में जो किया गया है वो किया जाएगा एक पेंटिंग के थ्रू। इस मूवी की शूटिंग लोकेशन सेट्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मूवी आर्ट एंड आर्टिकल्चर्स को लेकर काफी ज्यादा डिटेल में जाएगा, तो आर्ट लवर्स के लिए फिल्म देखने वाली होगी। राधे श्याम में होंगे काफी चिलिंग एलिमेंट्स और यह कहानी एक पेंटिंग के द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी, जो कि यह बताती है हमको कि इस फिल्म में हमें एक आर्टिस्टिक टच देखने को मिलेगा। राधे श्याम की लास्ट लेग शूटिंग चल रही है फुल स्पीड में और प्रभास एक के बाद एक अपना काम फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो अपनी मूवी सलार की शूट को रिज्यूम करेंगे, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं KGF फेम प्रश्नात नील। इसके ठीक 2 महीने बाद प्रभास शुरू करेंगे उसकी शूटिंग आदि पुरुष के लिए और फिर नाग अश्विन के साथ साईवी ड्रामा में भी देखे जाएंगे। तो प्रभास के पास अभी बैक टू बैक काफी फिल्म है, लेकिन उससे इस फिल्म के डेडिकेशन पर कुछ खासा असर नहीं पड़ता। अरसे बाद प्रभास को रोमांटिक रोल में देखने के लिए लोग तरस गए हैं और कर रहे हैं इंतजार बेसब्री से कि कब होगी राधे श्याम रिलीज। दोस्तों हम आपको बता दें कि राधे श्याम का होने वाला है दिल को रुला देने वाला एक सैड एंडिंग, इसलिए शायद मेकर इस फिल्म को बहुत इमोशनल और इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास जो देखा जाएंगे वो होंगे विक्रम आदित्य के किरदार में, जो कि एक फॉर्च्यून टेलर होंगे, और प्रभास के ऑपोजिट होगी पूजा हेगड़े जो निभा रही हैं एक राजकुमारी का किरदार। मोहनजोदड़ो के बाद पूरी इंडिया पूजा को इस पैन इंडियन फिल्म में देख पाएगी, इसलिए हम इस फिल्म को काफी उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूजा के लिए अच्छी साबित हो। हम आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा सुनना जा रहा है कि 400 करोड़ की राधे श्याम किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है, मगर फिल्म के टीम ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा इसमें ऐसे विजुअल इफेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ थिएटर में ही देखा जा सकता है और इंजॉय किया जा सकता है, और शायद इसलिए राधे श्याम होगी थिएटर में रिलीज। यही फैसला लिया है टीम के मेकर्स ने। तो क्या आप है तैयार राधे श्याम के लिए? हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।